की वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 जो कि हमारे सेन बोर्ड की बुक क्लास 9th की बुक का एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज इज़ अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसकी उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे गिवन है जिसमें एक्सपोनेंट्स हैं, बेस हैं, किसी में डिवीजन भी है, किसी में मल्टीप्लिकेशन भी है, आपको उसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, हमारे पास हमारे पास क्वेश्चन आता है और हमें सिंप्लीफाई करना होता है तो हमें ये देखना है कि हमारे पास गिवन है 3 to the power 5 एंड 3 square। बेस क्या है हमारे पास? बेस है 3 and 3 एंड एक्सपोनेंट्स आर 5 and 2। हेयर वी हैव बेसिस सेम। जब भी बेसिस सेम होती हैं तो हमें ये करना होता है, जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड होती हैं, अगर डिवीजन है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये लॉ से हमें पता चलता है। ठीक है, जब आप इसको लॉ को पढ़ेंगे जाकर तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगी कि हमारे पास क्योंकि बेसिस सेम है और डिवीजन है तो वी हैव बेसिस सेम डिवीजन मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दी पावर्स। हम क्या करेंगे, इसके बाद जो 5 है उसमें से इस 2 को माइनस करा देंगे। सो वी विल गेट 3 raised to the power 3। चाहे तो 3 raised to the power 3 का आंसर भी निकाल के दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्रेटर पावर्स आ रही हैं तो आप उसको वहाँ पे लीव भी कर सकते हैं, बट क्योंकि 3 एक छोटी पावर थी तो हमने उसे सॉल्व करके दिखा देना है। ओके, पार्ट नंबर 2 सेज 2 to the power 4, 5 cube, पॉइंट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड बाय 10 square। अभी आप चेक करें तो यहाँ बेसिस सारी डिफरेंट हैं, इसमें बेसिस सेम थी तो बहुत इजीली हमने दोनों को, यहाँ हमारे पास बेसिस सेम थी तो हमने पावर्स को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करा दिया था, बट यहाँ पर अभी बेसिस ही डिफरेंट है, सारी बेसिस डिफरेंट है। अगर बेसिस सेम होती तो हम यहाँ सीधा सब्ट्रैक्ट कराते, बट यहाँ क्योंकि अभी बेसिस डिफरेंट है तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास बेसिस सेम बनती हुई नज़र आ रही है, वो कहाँ कि अगर आप चेक करें कि 10 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 और 5 है, राइट, सो यू कैन चेंज इट इंटू 2 multiplied by 5 और होल टू दी पावर 2 आ गया। अब बेसिस सेम नज़र आने लगी हैं, देखें 2, 2, 5, 5, लेकिन सब्ट्रैक्शन से पहले अगर आप चेक करें तो यहाँ 2 बेसिस हैं और होल के ऊपर पावर है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बोर्डमास रूल सेज के फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट, तो हमारे पास आ जाएगा 2 to the power 4, 5 cube, और यहाँ पर 2 के ऊपर भी पावर आ जाएगी और 5 के ऊपर भी एक पावर आ जाएगी। ठीक है, अब बेसिस सेम नज़र आ रही है 2, 2, 5, 5, इसकी पावर 4 में से माइनस होगा 2 और इसकी 3 में से भी होगा -2, तो हमारे पास कुछ यू बनेगा 2, 4, -2। मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या डेसिमल पॉइंट लगाएं, एक ही बात है, दोनों ही प्रोडक्ट को शो करते हैं। 4 - 2 is 2 एंड 3 - 2 is 1, राइट, इसको मज़ीद सॉल्व भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये बन गया 4, 4 into 5 is 4, 5 are 20, सो 20 इज़ योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 इज़ a + b² c + d³। a + b नो पावर मीन्स 1, c + d² इसमें अगर आप चेक करें तो ये स्क्वायर को यहाँ और इस क्यूब को यहाँ मूव नहीं करना, बिकॉज अगर देखें तो आप a + b और a + b बेसिस पूरी होल बेस सेम है, a + b c + d c + d, आपको कोई भी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज बेसिस आर सेम। जब भी बेसिस सेम है तो सिर्फ पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। पावर को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा a + b के ऊपर पावर आ गई 2 - 1 और यहाँ आ गई c + d के ऊपर 3 - 2, सो वी विल गेट a + b 2 - 1 is 1 एंड c + d 3 - 2 is 1, तो यहाँ पर फाइनल हमें आंसर मिल गया। मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, देखें, और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंप्लीफाई करना है, यही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अगेन सिंप्लीफाई बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट।
क्वेश्चन नंबर वन इज 1/3 होल टू द पावर 4, 1/3 होल टू द पावर 5 और दे आर इन प्रोडक्ट, राइट। अगर चेक करें तो देखें 1/3 होल बेस इज सेम, 1/3, 1/3 सिर्फ पावर्स डिफरेंट हैं, बेस इज सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर्स विल बी एडिड। जब बेस इज सेम उसके साथ डिवीजन था तो पावर सब्ट्रैक्ट हुई थी, बट अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियसली पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर इंक्रीज हो जाती है तो सब प्लस होगा, डिवीजन में क्योंकि पावर डिक्रीज हो जाती है तो माइनस होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 4+5 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3 होल टू द पावर 9। आप चाहें तो इसको मूव कर सकते हैं, पावर को शिफ्ट कर सकते हैं 1 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी। तो 1 के ऊपर कितनी भी पावर आ जाए इट विल नॉट चेंज, सो यू विल गेट 1/3 होल टू द 3 के ऊपर पावर 9। -4/3 होल क्यूब -4/3 होल टू द पावर 5। अगेन बेसिस आर सेम, सो वी हैव -4/3 3+5 मल्टीप्लिकेशन है, -4/3 3+5 इज 8, राइट। 8 एक इवन पावर है क्योंकि यहाँ माइनस साइन है इनसाइड और इवन पावर है, तो जब भी इवन पावर होती है तो माइनस साइन विल चेंज टू प्लस साइन। तो हमारे पास आ गया 4 to the power 8 और 3 to the power 8। अच्छा, अब ये क्यों आया ऐसा, मैं जब भी देखें, याद रहे, जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर आती है तो वो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस करता हुआ उस माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। बट इफ़ यू हैव ऑड पावर, अगर आपके पास माइनस साइन के साथ ऑड पावर है तो सब तो पेयर अप हो जाती है, बट एक कोई ऑड की वजह से कोई एक माइनस साइन बाहर रह जाती है जो माइनस साइन इसके आंसर के साथ आ जाता है, ठीक है। जब प्लस है तो कोई सवाल ही नहीं आता, ठीक है, लेकिन जब भी माइनस है देन यू हैव टू सी कि पावर इवन आई है कि ऑड आई। अगर ऑड आती तो माइनस लगा देते, इवन आई तो माइनस को रिमूव कर दिया। पार्ट नंबर 5 इज 3 × -4 होल टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 3, राइट। अब इसमें हमें डबल पावर्स दिए, एक तो इसके पास पावर नथिंग मींस 1 है, लेकिन इसके पास स्क्वायर है और 3 भी है, ठीक है। ये लॉ बनता है, पावर ऑफ अ पावर का लॉ बनता है जब हमारे पास डबल पावर्स आ जाती हैं। तो इसको सॉल्व करने का कुछ मेथड यूँ होता है कि हमारे पास जब पावर ऑफ अ पावर आती है तो पावर्स आपस में हो जाती हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जो 3 है इसके ऊपर तो 1 था, 1 3 ज़ा 3 रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो देखें यहाँ 4 के ऊपर -4 के ऊपर 2 भी है और यहाँ 4 के ऊपर 3 भी है, तो 4 ये जो 2 है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ मिलेगा यू 3³ × -4। अभी मैं ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज -4 है, ठीक है। इन दी एंड वी विल सॉल्व -2 3 ज़ा 6। अब अगर चेक करें तो -4 के ऊपर एक इवन पावर है, -−+−+±+, राइट। जब इवन पावर है तो आंसर में माइनस साइन नहीं आएगा, तो हमारे पास आ गया 3³ और यहाँ आ गया 4 की पावर 6। माइनस साइन को हटा दिया और ये आ गया हमारा आंसर। चाहे तो मल्टीप्लाई लगा दें या उसको हटा भी सकते हैं, आप लगा भी सकते हैं, ओके। पार्ट नंबर 6 सेज -a/bc × -a/bc 5 और 4। बेस होल बेस इज सेम विद माइनस साइन, होल बेस इज सेम मल्टीप्लिकेशन, तो पावर विल ऐड। तो हमारे पास आ जाएगा -a/bc 5+4, जस्ट प्लस करा देंगे और माइनस साइन को इन दी एंड सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे कि इवन पावर है कि ऑड पावर है। 5+4 9 होता है, 9 जबकि एक ऑड नंबर है, तो इन दी एंड वी विल गेट माइनस साइन, तो माइनस साइन बाहर रहेगा। ए के ऊपर भी 9 आ जाएगा, बी के ऊपर भी 9 आ जाएगा और सी के ऊपर भी 9 आ जाएगा, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 8, m² t^4 n³ m^5 t^5। अब चेक करें तो बेसिस कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। m है, यस, n है और t है। अब हम सबसे पहले बेसिस को अलग कर लेते हैं। आंसर में आ गया हमारे पास m^1 के साथ, फिर आ गया m^5, n²
एन क्यूब, टी फोर, टी सेवन, राइट। अब जो बेसिस सेम है उनको, उनकी पावर्स को हम ऐड करा देंगे, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ऐड हो जाएगा। सो वी विल गेट 1 + 5 एन 2 + 3 टी 4 + 7, हमें मिला एम के ऊपर 6, एन के ऊपर 5 और टी के ऊपर 11। सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 10। 10x4y6 x2z2y³। ओके, अगेन वी हैव पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स एंड बेसिस। बेसिस में देखें तो x, x, y, y और z सिंगल है। सो लेट्स अरेंज देम, x4, x2, y6, y³ and z² इन द एंड। अब हमारे पास देखें तो नंबर कोई और नहीं है तो 10 ही रखेंगे इसको, बेसिस को सिंगल टाइम लेकर उसके ऊपर पावर्स को प्लस करा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स फिर से प्लस होंगी। 6 आ गया, 9 आ गया और जेड के ऊपर स्क्वायर ही रहा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई अगेन, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पार्ट नंबर 1 सेज एक्स वाई होल टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 5। अब हमारे पास है एक्स वाई के ऊपर 3 और 5 डबल एक्सपोनेंट्स हैं। याद रहे कि जब भी आपके पास पावर के ऊपर पावर आती है, सो द लॉ सेज कॉल्ड, द लॉ इज कॉल्ड वो पावर ऑफ अ पावर, कि आपके ऊपर पावर के ऊपर पावर आ गई तो आप, हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। सो वी विल गेट 15 और अगर आप इनको मूव कर दें, शिफ्ट कर दें, तो हमें मिलेगा x 15 और y 15। ठीक है, ओके। पार्ट नंबर 3 सेज -4 होल टू द पावर 2 और होल टू द पावर 5। अगेन पावर ऑफ अ पावर, सिर्फ और सिर्फ पावर्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दीज आर एक्चुअली ओनली द प्रैक्टिस क्वेश्चन, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ही एम सी क्यूज़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन भी है तो पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं फिर माइनस साइन को इन दी एंड सॉल्व कर लेंगे, या फिर आप माइनस को पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस के ऊपर पावर ले लेते हैं। 2 5 10 आ गया, तो -4 के ऊपर जब 10 आएगा, 10 इज़ एन इवन नंबर, सो वी विल गेट पॉजिटिव आंसर। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस साइन इवन की वजह से पॉजिटिव हो गई, सो वी विल गेट 4 to the power 10। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 4 विच सेज -3 होल टू द पावर 3, -4² एंड होल टू द पावर 3। दीज टू डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट बेसिस हैं, मतलब कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, लेकिन पावर के ऊपर पावर है तो वी विल अप्लाई पावर ऑफ अ पावर लॉ। तो हम चेक कर लेते हैं, -3 के ऊपर पहले पावर को शिफ्ट करा लें, उसके बाद हम माइनस साइन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आ गया -3 के ऊपर 3 3 ज़ा 9 और यहाँ आ गया -4 के ऊपर 2 3 ज़ा 6। 9 इज़ एन ऑड नंबर, सो वी विल गेट द नेगेटिव आंसर, एंड हियर 6 इज़ एन इवन नंबर, सो वी विल गेट द पॉजिटिव आंसर। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर है। हम एक्सपोनेंट्स कहीं भी सॉल्व नहीं कर रहे बिकॉज ये ग्रेटर एक्सपोनेंट्स हैं, तो यहीं पे हम आंसर को लीव कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 8 विच सेज एम नो पावर मीन्स 1, m² m³ m⁴ होल टू द पावर² एंड होल टू द पावर 5। अगेन वी हैव पावर ऑफ अ पावर, बट नाउ वी हैव 3 पावर्स। देखें, एक ये इसके ऊपर 1 2 5 2 2 5 3 2 5 एंड 4 2 5। ठीक है, एक बहुत कहने को बहुत माइनर सी मिस्टेक है, बस सम स्टूडेंट्स ये करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं कि इस 1 को स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसको स्किप नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इसके ऊपर 1 है, मींस ये यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो आपको इसको 1 को भी ऐड कराना होगा। एक तो पावर ऑफ अ पावर लॉ तो आ रही थी, लेकिन इसमें अगर चेक करें तो इनसाइड वी हैव सेम बेसिस। इससे पहले जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला प्रीवियस पार्ट था, उसमें 3 of 4 बेसिस ही डिफरेंट थे, तो हमें कुछ सॉल्व नहीं किया था, डायरेक्टली पावर को सॉल्व कर लिया था। लेकिन अभी आप चेक करें तो यहाँ बेसिस भी सेम है। अगर बेसिस सेम है तो हमें इसकी पावर्स को ऐड भी कराना ज़रूरी है। अब जब आप इसको ऐड कराएंगे उसके बाद ही पावर शिफ्ट होगी। ऐड करा लेते हैं, 1 इसका 1 इसका 2
फिर 3 और 4 होल टू दी पावर 2 अभी एज इट इज़, और अभी 5 भी एज इट इज़। ओके वी हैव 1, 7, 8, 9, 10 m10 आ गया, होल के ऊपर स्क्वायर आ गया और होल के ऊपर 5 आ गया। अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो वी विल गेट क्या बनेगा, 10 2 20 और 25 100, सो वी विल गेट m100 फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 9 सेम क्वेश्चन सिंप्लीफाई। ओके नाउ वी हैव टू सी अगेन, वी हैव सेम बेसिस, देखें बेसिस फिर से सेम है, -0.1 -0.1 -0.1, पावर्स आर डिफरेंट और होल के ऊपर भी पावर। सबसे पहले क्योंकि बेसिस सेम है इनको ऐड करा लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम माइनस साइन को सॉल्व करेंगे। सो जब हम इसको, फिलहाल बाहर वाला माइनस एज इट इज़ रहेगा, वो बिल्कुल लास्ट में जाके सॉल्व होगा। हम सबसे पहले सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर पावर्स को ऐड करा देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसे पावर्स को ऐड करा देंगे। 2 + 3 + 4 ये आ गया 9, अभी होल के ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब हमारे पास आ गया माइनस साइन अभी एज इट इज़ -0.1, ये बन गया 9 और बाहर है 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस साइन अभी एज इट इज़ -0.9 और 9 × 2, अब ये दोनों पावर्स आपस में हो गई मल्टीप्लाई। 9 × 2 = 18, -0.1 के ऊपर 18, 18 इज़ एन इवन पावर, एक इवन पावर है तो ये जो अंदर वाला माइनस है दिस विल चेंज इनटू प्लस। अभी मैं ब्रैकेट इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज यहाँ 18 पावर 0.1 पर है, इसलिए मैंने होल पे ब्रैकेट लगा दिया। अब आप चेक करें तो यहाँ पर ये जो माइनस है ख़त्म हो चुका है, ये बाहर वाला माइनस एज इट इज़, इसको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये फाइनल आंसर आ गया आपका। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.4 एंड हो जाती है। अगर इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और बोर्ड से हैं, आप पंजाब बोर्ड से या फेडरल बोर्ड से हैं और आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए।